दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज की इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम ये गीज़र का एलिमेंट चेंज करके आपको दिखाने वाले हैं। इसका एलिमेंट ख़राब हो गया है जिसके कारण ये पानी गर्म नहीं कर रहा है। तो इसका वायर हमने यहाँ से कनेक्शन इसका निकाल लिया है और इसका थर्मोस्टेट भी यहाँ से निकाल के अलग कर लिया है। और इस एलिमेंट पर जो तीन बोल्ट होता है, यहाँ पर तीन बोल्ट होता है, इसको तीनों बोल्ट को हमने खोल रखा है और इस एलिमेंट को हम यहाँ से खींच के निकालेंगे। दोस्तों कल वाली वीडियो आप नहीं देखी होगी तो आप चेकआउट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। दोस्तों यहाँ से निकला नहीं तो उसका हमने असेंबली खोलना पड़ा। तो यहाँ से हम दाएं बाएं करके इसको खींचेंगे और इसकी निकालने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये निकल जाएगा, ये निकल रहा है और यहाँ से खींचेंगे तो ये बाहर आ गया। दोस्तों देख रहे हैं इसकी कंडीशन बिल्कुल ख़राब हो गई। दोस्तों ज़्यादातर चूना जम गया है और ये डेड हो गया है जिसके कारण ये पानी नहीं हीट कर रहा है। तो अब इसमें हम नया लगा के आपको दिखाएंगे, वीडियो के अंत तक बने रहेगा। ये तेनकुन्ना पैकेट का है दोस्तों। इसके बाद यहाँ से हम इसकी सील निकाल लेंगे, ये रबड़ की सील होती है, यहाँ से इसको निकाल लेंगे। ये सील भी ख़राब हो गई है, ये बिल्कुल ख़राब हो गई दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पानी चालू करके और यहाँ से इस गीज़र को हम साफ़ सफाई करेंगे। दोस्तों काफ़ी कचरा होता है तो पानी थोड़ा देर तक चालू करेंगे और इसको सब सारा कचरा बाहर करेंगे। देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे कचरा, काफ़ी कचरा निकल गया है दोस्तों। और ये सब बाहर करके और पानी बंद कर देंगे यहाँ से। अब इसमें नया एलिमेंट डालेंगे, तो ये नया वाला एलिमेंट आपको बाज़ार से आसानी से मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम ये इसकी सील लगाएंगे एलिमेंट की। तो यहाँ जो तीन होल होता है रबड़ में, इसको बोल्ट में इसको बैठा देंगे। ये अच्छी तरह से बैठ जाएगा, ये बैठ गया। अब इसमें हेलमेट नया वाला डालेंगे यहाँ सीधा करके, और इस जो तीन होल होता है, इस होल को जो बोल्ट है उसमें डाल के अच्छी तरह से बैठा लेंगे। यहाँ से बैठा के अब इसमें वायसर लगा के, और इस वायसर लगा के तीनों बोल्ट पर और नट को अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे, बिल्कुल अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे दोस्तों। क्योंकि अच्छी तरह से टाइट नहीं करेंगे तो यहाँ से पानी लीक करेगा। तो इसको मजबूती से अच्छी तरह से इसको तीन स्क्रू को टाइट कर लेंगे। ये टाइट हो गया, और ये जो थर्मास्टेट है, जब इसको लगाएंगे, इसका कनेक्शन करेंगे, तो ये जो मेन पावर आया है ये लीड, तो एक वायर चला गया है यहाँ पे थर्मास्टेट पर, यहाँ से निकलेगा और ये एलिमेंट पर चला जाएगा, और दूसरा वाला वायर ये एलिमेंट पर चला जाएगा। तो इसको एलिमेंट पर हम लगाते हैं। तो इस थर्मास्टेट को हम एलिमेंट के बीच में होल होता है ये थर्मास्टेट डालने के लिए, तो इस होल में यहाँ पर डालेंगे आधा डाल के दोस्तों। अब ये थर्मास्टेट वाला वायर इस एलिमेंट पर टाइट करेंगे, यहाँ पर टाइट करेंगे। दूसरा वाला वायर जो मेन पावर में आया है इसको भी एलिमेंट पर टाइट करेंगे। तो हमें आप टाइट करके दिखाते हैं। तो पहला वायर यहाँ पर इस एलिमेंट की पहली खुंटी पर अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे, यहाँ पर अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। दूसरा वाला इसको भी एलिमेंट पे खुंटी पर, दूसरी खुंटी पर स्क्रू होता है, इसको अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। ये टाइट हो गया, और इस थर्मास्टेट को अब यहाँ हम अंदर बैठा देंगे। ये बैठ गया, ये ओके हो गया दोस्तों। अब हम गीज़र में पानी भरेंगे, इसको पानी भर के ऑन करेंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब भी आप एलिमेंट चेंज करें तो पानी भर कर लीजिएगा। बिना पानी भरे गीज़र को ऑन मत करिएगा, वरना गीज़र का एलिमेंट तुरंत ख़राब हो जाएगा, फट जाएगा। तो यहाँ से हमने पानी भर लिया है और ऑन भी कर लिया है। तो ये देख रहे हैं इंडिकेटर, ये इंडिकेटर ऑन हो गया है और ये हीट होने लगा दोस्तों, ये वर्क करने लगा। तो इस तरह की सावधानियाँ हमेशा आप बरतें, ध्यान दें, ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और उसके बाद ये भी सावधानी रखें कि एलिमेंट लगाने के बाद इस पर जो पाइप होता है आप इसको टेस्ट करें, पावर नहीं ना आ रहा है, क्योंकि पावर आ जाएगा तो ख़तरनाक हो जाएगा। तो ये सब चेक कर लीजिएगा, यहाँ से हम टेस्ट कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल ओके है, पावर नहीं आ रहा है, बिल्कुल रेडी है। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे और आपको जानकारी मिलती रहे। तो हम अब पानी चेक करके दिखाते हैं। यहाँ से टंकी थोड़ा सा खोल लीजिएगा, थोड़ा पानी गिरा के आप यहाँ हाथ लगा के देखिएगा। देख रहे दोस्तों ये बैर गर्म हो गया, वर्क करने लगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्यार से कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के